दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बीते कई दिनों से छात्र छात्राओं को अपनी ओर से कॉल करके यानी फोन करके उसके माता पिता को अभद्र शब्द और उसके बाद कई बार गाली भी दिया। इतना ही नहीं, अपनी ओर से उसने अपनी नंगी तस्वीर भी स्टूडेंट को यानी छात्रों को भेजा। इसको लेकर के कई दिनों से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आंदोलन चल रहा था, जिसके बाद कल अखिलेश कुमार ने छात्रों के बीच जाकर उनसे मिलकर माफी मांगा और अपनी की गई गलती का एहसास भी किया। अखिलेश कुमार रोते बिलखते भी नजर आ रहे हैं, जिसके बाद छात्रों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए क्या कुछ हुआ उसमें बातें सुनते हैं। जी, किन मुद्दों को लेकर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मामला? कल अखिलेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने अपने बारे में सफाई दी कि विद्यार्थियों के द्वारा जो है उनके चरित्र के ऊपर दाग लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, यदि विद्यार्थियों के द्वारा कोई साजिश के तहत उनके चरित्र पे दाग लगाया जा रहा है तो वो इस छात्रावास में आके विद्यार्थियों के समक्ष माफी क्यों मांग रहे हैं? क्यों वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें माफ़ कर दिया? और जिस तरीके से वो पैरवी लगा रहे हैं निरंतर, अभी जब से ये मामला हुआ है तब से जो है लगातार कहीं ना कहीं से फोन आ रहा है कि इस मामले को दबा दिया जाए। मैं उसका नाम नहीं लूंगा जिसने भी फोन किया। उसके बाद धमकी दी जा रही है कि यदि तुम लोग वापस नहीं लेते हो तो तुम्हारे ऊपर ही FIR किया जाएगा। मेरा पहुँच बहुत लंबा है। सबसे बड़ी बात, लिखित में विभागाध्यक्ष के देने के बाद और लड़कियों ने लिख के दिया है, इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है कि जो थाना है उसमें FIR हो उसके खिलाफ, उसके बाद इस प्रक्रिया में आने की। और अगर जांच कमेटी बैठाई गई है उनके ऊपर तो सबसे पहले तो उनको तो विभाग में आने की अनुमति नहीं दी जाए, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चों को। और जो जाँच कमेटी बनाई गई है कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करने की जो है साजिश चल रही है, क्योंकि वो विभाग में अभी भी आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। तो इससे क्या माना जाए, यही समझा जा सकता है कि जो कुल सचिव या कुलपति है वो भी इसमें संलिप्त है। इस तरीके से यदि विभाग में वो उपस्थित होंगे और बच्चों को ये कहेंगे कि तुम मेरे खिलाफ जो है आवेदन पड़ा है, तुम जाके जो है ऋषि महोदय से मिलके मेरे बारे में कहो कि हम अच्छे आदमी हैं, तो ये तो उचित नहीं है। यदि इस तरीके का व्यवहार अभी भी चलता रहेगा तो सबसे पहले तो हम आरोप लगाएंगे कि इसमें जो VC और कुलपति महोदय हैं, कुल सचिव महोदय हैं, वो भी संलिप्त हैं। और ऐसे शिक्षक के ऊपर कालिक पोतने का काम हम करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत घिनौना काम किया है। लड़कियों का भी आरोप है कि वो उनको कॉल और मैसेज करते थे। इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी क्यों विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक जांच कमेटी में ही उलझा हुआ है? इससे पहले भी जो है एक किसी विभाग में इस तरीके का मामला हुआ था, किसी को पता भी नहीं चला, फिजिक्स डिपार्टमेंट में किसी को पता भी नहीं चला, 2 घंटे के अंदर में जो है उनका कार्रवाई हुआ। तो क्या ऐसा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इनके ऊपर जांच कमेटी बैठाई जा रही है? अरे भाई, आप एक मामले में दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और कार्रवाई होती है, और एक जगह आप ढीले पर जाते हैं। तो हम लोग अभी तक कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किए हैं, 2 दिन का और समय है। यदि विश्वविद्यालय की तरफ से उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो 2 दिन के बाद संपूर्ण विश्वविद्यालय बंद रहेगा, हम लोग उग्र प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे। अभी माफी कौन मांगने आए थे और कब मांगने आए थे? ये कल की बात है, वो बहुत जगह से पैरवी लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से बिल्कुल फेस टू फेस आए थे, और मैं उसके लिए साक्षी देने के लिए भी तैयार हूँ आप लोगों के समक्ष। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोफेसर साहब आए तो ये माफी मांगने कल आए थे और धमकी की बात कर रहे हैं। ये धमकी आपको कहां से आ रहा है? ये कल जब यहां पे आए और माफी मांगे, विद्यार्थियों ने उन्हें माफ नहीं किया, और इस तरीके से उन्होंने देखा कि मामला जो है मेरे हाथ से निकल गया है और ये लोग हमारे बातों में आने वाला नहीं है बहलाने फुसलाने से, तो कल मीडिया को बुला के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद जो है इसको फोन किया गया, इसको कितना बार फोन किया, फिर इसको कितना बार फोन किया गया, हमको जो है सब मतलब कितना बार फोन किया गया, इसको धमकाने का कोशिश किया जा रहा है। आज विभाग में वो उपस्थित थे, हमने विभाग को बंद करने का काम किया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी है। वो
उल्टा कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर देंगे, तुम आवेदन डलवा रहे हो। मेरा उनसे व्यक्तिगत कुछ नहीं, एक गुरु शिष्य का ही रिश्ता है, लेकिन उन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते को तार तार कर दिया। इस तरीके के चरित्र के व्यक्ति कभी भी गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, और उनको जो करना है वो कर, उनको जिस प्रक्रिया में जाना है जाए। हम सत्य के साथ खड़े हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य हैं, और हम निडर होके उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं। विकास कुमार, विद्यार्थी, तृतीय छमाही, हिंदी विभाग। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप बताना चाह रहे हैं क्या हुआ आपके साथ, ये जो मामला चल रहा है तो आपको क्या हुआ है, क्या मामला? सर, जैसे कि आप सबको मालूम पता है कि सर 28 तारीख को रात्रि 11 बजे उन्होंने मुझे व्हाट्सअप कॉल किया, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, है ना, कॉल किया और मुझे कॉल करते हम बोले प्रणाम सर। उधर से मैं बहने गरिया रहे मादर जो तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या औकात है, तुमको क्या आता है, तुमको हम देख लेंगे। सबसे पहला बात, इससे पूर्व भी हमें धमकियां दी जाती थी सर के, डॉक्टर अखिलेश कुमार जो सहायक प्राध्यापक है उसके द्वारा, कि तुमको नेट नहीं होने देंगे, तुमको रोड पे ला देंगे, तुमको पीएचडी नहीं होने देंगे, और हम पे डीमोटिवेट हमेशा करते थे किसी अन्य तरीके से लगा के। क्या कारण क्या रहा होगा कि आपके साथ ये व्यवहार किया जा रहा? सर, कारण ये था कि सर हम रेगुलर स्टूडेंट थे, वो हमको बोलते थे कि तुम किसी टीचर के खिलाफ कुछ लिख के दो, पहला कारण ये। दूसरा सर, वो छात्र छात्राओं को रूम पे बुलाते थे, उस पे रूम पे बुला, अगर हम रोज क्लास जाते थे, हमसे कोई पूछते तो हम बताते थे कि मत जा सर इसके लिए। और तीसरा कारण ये कि सर हम उनके बहकावे में आते कुछ भी बोलते थे, हम अपने विवेक के आधार पे काम लेते थे। तीसरा कारण ये क्या बहकाने का काम वो किया, जो क्या बहकावे का काम ये कि सर उसका व्यक्तिगत जिनसे दुश्मनी रहता था वो इसके खिलाफ विद्यार्थी को नोट के अति दे, क्योंकि सर ऐसा अभी विभाग में है कि बहुत सारे अब विद्यार्थी अपसेट है, उसको इतना भी नहीं पता है कि कौन सहायक प्राध्यापक है, कौन एसोसिएट है, उनको अपने बस में करता है, और अन्य जो टीचर है या फिर जो उनका व्यक्तिगत रहता है उस पर अप्लीकेशन दिलवाता है स्टूडेंट से। तो क्या इसमें आप रुकावट बनते? जी सर बिल्कुल सर, उसमें हम रुकावट, वो जो बोलते थे हम नहीं किए, फिर वो रात्रि 11 बजे कॉल किया मुझे भाई बहन, उस समय सर मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मैं आत्मा, और मेरे प्रति सर व्यक्तिगत रूप पे छात्र छात्राओं को भड़काता था कि उसको रोड पे ला देंगे। इतना कुछ आरोप आप लगा रहे हैं जी सर, तो ये आरोप का एविडेंस अब उनका तो कहना है कि भैया आप तो सर हम उनके लालचल लगा रहे हैं। बिल्कुल, हर चीज का एविडेंस है, मैंने कुलपति महोदय का लड़की भी उन पे लगाया है, उनका लिखित और मौखिक दोनों तरीका से, उससे पूर्व भी विभाग में भी उनको 5-6 बार विभागाध्यक्ष भी उसको समझाया, सभी सर हम विभाग में, सर हम नहीं चाहते थे बाहर जाए, विभाग में भी बैठ के उसको समझाया गया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर वो मुझे गाली दिया, मैं बेबस हो गया, मैं इतना आहत हुआ कि मुझे लग रहा था मैं कुछ कर लूँ। मेरे ये बागमती छात्रा के सभी सीनियर अपने भाई की तरह मुझे बचाया, उसके बाद उन्होंने तमाम जानकारियाँ ली, फिर मैंने कंप्लेन किया विभाग अध्यक्ष के पास भी और कुलपति महोदय के पास भी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, और कमेटी के नाम पे झूठ बोल के नीपा पोती का काम कर रहा है। और दूसरा बात ये सर, इतना सब होने के बावजूद वो हमको कॉल करता है, बोलता है कि तुम अप्लीकेशन वापस ले लो। सर हम बोलते हैं सर हम क्यों ले, हम तो सब के साथ खराब में, मेरी माँ को गाली दिया, वो सर अपना गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और बार बार हमको, और उसके बाद ही बहुत सारे आदमी से भी कॉल करवाते हैं, अन्य जो हमारे छात्रावास के विद्यार्थी हैं उनके पास भी और मेरे पास भी कॉल करता है, और बोलता है कि तुमको जो करना, और सर अभी क्लास में आज ही मुझे धमकी दिया है तुमको एफआईआर करेंगे, बताइए सर। बहुत सारे धमकियां मिल रही है, धमकियां मिल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम दीपक कुमार, तृतीय छमाही का छात्र हूँ, हिंदी विभाग से।